गुड मॉर्निंग क्लास विथ। नाओ बेटा, वी कैन स्टार्ट आर एक्टिविटी थ्री। एक्टिविटी थ्री का मैंने क्वेश्चन नंबर वन जो था आपको होमवर्क दिया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर टू जो है वो सिंपल सब्ट्रैक्शन है, वो हम करेंगे। एंड नेक्स्ट अप टू 3 to 9 जो है वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व है, वो हम वन बाय वन करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका, अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। आपके पास है ए पार्ट में 11,23,450 फ्रॉम में, इसमें से 23,47,970। कहते हैं आपको पता है फ्रॉम आया है तो पहले ये वाली टर्म लिखेंगे, 23 वाली। क्लियर? फ्रॉम होता है इसमें से ये वाली टर्म माइनस करनी है। क्लियर? फ्रॉम वाली टर्म पहले आती है और बाद में जो पहले होती है उसको नीचे लिखते हैं। क्लियर? इसके मैंने आपको 4 पार्ट करवाने हैं, एंड जो 4 पार्ट मैं करवाऊंगी और 4 ही आपकी प्रैक्टिस होगी, वो आपने रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है सब्ट्रैक्ट के सम की। ओके, नेक्स्ट। सबसे पहले हमने ये वाली टर्म लिखनी है, ये वाली टर्म लिख ली 23,47,970, और बाद में क्या लिख ली, ये वाली टर्म 11,23,450। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये बहुत ईजी सब्ट्रैक्शन थी। 0 - 0 = 0, 7 - 5 = 2, 9 - 4 = 5, 7 - 3 = 4, 4 - 2 = 2, 3 - 1 = 2, एंड 2 - 1 = 1। क्लियर? ये बहुत ईजी सब्ट्रैक्शन थी, कोई बोरो नहीं लेना था। नेक्स्ट है बी पार्ट, 50,67,530 फ्रॉम किस में से, 69,80,350 में से सब्ट्रैक्ट करने हैं। सबसे पहले ये वाली टर्म लिखेंगे, ये वाली टर्म हमने लिख ली। नेक्स्ट नीचे कौन सी आ गई, 50,67,530। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 - 0 = 0, 5 - 3 कितने होते हैं, 2। अब 3 - 5 तो हो नहीं सकते, इसने इससे बोरो लिया। क्लियर? और नेक्स्ट वाली मैंने बताया था कि 0 हो तो उससे नेक्स्ट वाली टर्म भी जो है एक लेस होता है। यहाँ पे हो गया 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुए तो कितना आ गया, 8। अब इधर 9 था, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुए तो 2, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुए 1, 9 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 9 में से 0 माइनस करें तो 9 होता है। 6 - 5 कितना हो गया, 1। अगेन मैं बता रही हूँ कि 13 था, 0 था, इसे नेक्स्ट वाली टर्म का भी 1 सब्ट्रैक्ट होना ही होना था। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जी एंड क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन नंबर जी में है 57,18,290 फ्रॉम 2,70,56,730 में से आपने ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है। क्लियर? वो है करोड़ में, 2 वाली टर्म करोड़ में है, पहले हमने वो वाली टर्म लिख लेनी है। नेक्स्ट है 57,18,290, पीछे से लिखना स्टार्ट करना, 0, 9, 2, 8, 1, 7, 5, और यहाँ पे जो स्पेस रह जाएगी यहाँ पे आपने क्या लगा देना है, 0। अब नेक्स्ट 0 - 0 = 0, अब 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसने एक इससे बोरो लिया, यहाँ पे क्या हो गया 13, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 13 - 9 = 4, 6 - 2 = 4। अगेन 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसने इससे एक बोरो लिया, यहाँ पे 16, यहाँ पे क्या हो गया 4, 16 - 8 = 8, 4 - 1 = 3। नेक्स्ट 0 में से 7 अगेन सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 10 - 7 = 3, 6 - 5 = 1, एंड 2 - 0 = 2। तो हमारे पास कितनी टर्म लेफ्ट होगी, 2,13,38,440। नेक्स्ट एच पार्ट है 3,18,57,550 फ्रॉम 5,81,73,055। इसमें से ये वाली टर्म हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 करोड़ वाली, दोनों करोड़ की है लिख लेनी है हमने, ठीक है। लेकिन लिखना हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना, 0,55,75,813। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 0 = 5, 5 - 5 = 0, अगेन 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसने इससे बोरो लिया, यहाँ पे क्या हो गया 10, यहाँ पे क्या रह जाएगा 2, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुए 5, यहाँ पे 2 था, इसने इससे एक बोरो लिया, यहाँ पे क्या हो गया 12, और यहाँ पे क्या हो गया 6, 12 - 7 = 5, 6 - 5 = 1, अगेन 1 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 1 ने 8 से बोरो लिया, यहाँ पे क्या हो गया 11, और 8 क्या क्या हो गया यहाँ पे 7,
11 माइनस 8 कितने हो गए 3, 7 माइनस 1 कितने हो गए 6, एंड 5 माइनस 3 क्या हो गए 2। क्लियर, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ टू नंबर इज, टू नंबर्स का सम आपके पास गिवन है 7,28,11,500। इफ वन ऑफ द नंबर इज 2,56,99,290, फाइंड द अदर नंबर। मैं अभी आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। कहते हैं कि हमारे पास टू नंबर्स के सम कितने हैं 6। कहते हैं कि टू नंबर्स का सम कितना है 6। अगर उनमें से एक नंबर 2 हो तो ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे? ऑफकोर्स आप ऐसे करते हो ना, 6 - 2 = 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। ऐसे करते हो, आपको सम ऑफ द टू नंबर गिवन है, उसमें से एक नंबर भी गिवन है, आपने अदर नंबर फाइंड आउट करना है। वो कैसे करते हो, इसको इसमें से माइनस कर दोगे, सम को यो जो दूसरा अदर नंबर है, वन नंबर गिवन है, उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें अदर नंबर फाइंड आउट कर लोगे आप। क्लियर, अब हम इसको करेंगे। ओके, अब आपका था द सम ऑफ टू नंबर। सम ऑफ टू नंबर्स क्या है, 7,28,11,500, ये लिख लिया हमने, ठीक है। एंड नेक्स्ट है 2,56,99,297, हमें वन नंबर गिवन है, अनदर नंबर हमने फाइंड आउट करना है। हमेशा आप सम में से माइनस करोगे। सम क्या था, जैसे 6 है वैसे ही सम क्या है 7 crore समथिंग, उसमें से वन नंबर क्या था 2, इधर वन नंबर कौन सा है 2 crore समथिंग, वो क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट फाइंड दी अदर करने के लिए। अगेन सिंपल सब्ट्रैक्शन है, 0 था इसने इससे बोलो लिया, यहाँ पे क्या हो गया 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, एंड मैंने बोला था 0 से नेक्स्ट वाली टर्म भी सब्ट्रैक्ट होती है, यहाँ पे 5 की जगह पे क्या आ जाएगा 4। 10 - 7 = 3, 9 - 9 = 0, 4 - 2 = 2। नेक्स्ट 1 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा 2, और इस यहाँ पे भी 1 की जगह पे क्या हो जाना था 0, 0 में से 9 तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो इसने इससे क्या लिया बोरो, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 - 9 = 1। नेक्स्ट यहाँ पे 7 था, 7 - 6 = 1, यहाँ पे 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसने इससे बोरो लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया 12, 12 - 5 = 7, और यहाँ पे क्या हो गया 6, 6 - 2 = 4। क्लियर, सम में से वन नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अदर नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी एडेड टू 1,80,78,975 टू गेट 5,55,55,555। कहते हैं इस नंबर में हम कितने ऐड करें कितना बन जाए, 1 crore में कितने ऐड करें कि 5 crore समथिंग बन जाए। वो जैसे ये है, कहते हैं कि 3 नंबर में हम क्या ऐड करें कि 5 बन जाए। ऑब्वियसली जो नंबर बनाना है उसमें से जो नंबर में जितने ऐड करने हैं वो क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, 5 - 3 = 2। वैसे ही 5 crore समथिंग में से 1 crore समथिंग है वो माइनस करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि हम इसमें क्या ऐड करें कि 5 crore समथिंग बनेगा। क्लियर, ओके नेक्स्ट, अब हमने क्या लिख देना है, जितना हमने गेट करना है 5,55,55,555, उसमें से 1,80,78,975 माइनस कर देंगे। सिंपल, 5 - 5 = 0, 5 - 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, 15 - 7 = 8। अब अगेन यहाँ पे 4 है, 4 - 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसने इससे बोरो लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, 14 - 9 = 5। अगेन यहाँ पे 4 था, इसने इससे बोरो लिया, यहाँ पे हो गया 14, 14 - 8 सब्ट्रैक्ट किए 6। अगेन यहाँ पे 4 है, 4 - 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसने इससे बोरो लिया, यहाँ पे हो गया 14, 14 - 7 = 7, एंड 5 की जगह पे क्या हो गया 4, यहाँ पे क्या आ गया 4। अगेन 5 - 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसने इससे बोरो लिया, यहाँ पे क्या हो गया 15, यहाँ पे क्या हो गया 4, 15 - 8 = 7, एंड 4 - 1 = 3। तो हमारे पास कितनी टर्म आ गई, 3,74,76,580। अगर हम ये वाले नंबर इसमें ऐड करेंगे तो इतना बनेगा। क्लियर, रफ में करके देखना हो तो एक बार देख लेना खुद के लिए, लेकिन फेयर रजिस्टर पे ये नहीं लिखना आपने, ठीक है। 3 crore में से 1 crore समथिंग प्लस करेंगे तो ये वाली टर्म ही आएगी। क्लियर, वो हमने सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट की है कि इसमें कौन सा नंबर ऐड करें कि ये वाली टर्म बन जाए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन 2008
The population of a country was 8,27,45,600. कहते हैं कि 2008 में कंट्री की पॉपुलेशन कितनी थी 8,27,45,600. इन 2009 कहते हैं कि 2009 में द पॉपुलेशन बिकम की पॉपुलेशन कितनी हो गई 2009 में 8,58,99,725. नेक्स्ट फाइंड द पॉपुलेशन इन कंट्री फाइंड द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. कहते पता करो कितनी जो है पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई. हमने 2009 की पॉपुलेशन में से 2008 की पॉपुलेशन माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो 2009 में इंक्रीज हुई. ओके, पॉपुलेशन इन 2009 हमने फाइंड आउट करना है कि कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो हमने 2009 में से 2008 वाली पॉपुलेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे. 2009 में कितनी है 8,58,99,725 और 2008 में कितनी थी 8,27,45,600. इंक्रीज पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो हमने लिखना है. 5-0 is 5, 2-0 is 2, 7-6 is 1, 9-5 is 4, 9-4 is 5, 8-7 is 1, 5-2 is 3 एंड 8-8 is 0. क्लियर? कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई वन ईयर में 31,54,125. कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 2009 में 31,54,125. ओके, नेक्स्ट सम है आपका क्वेश्चन नंबर 6, वो हम कल करेंगे. 6 to 10 जो सम है वो हम कल करेंगे, लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 की प्रैक्टिस घर पे खुद करनी है. ए एंड बी फिलिंग नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे बॉक्स नहीं दिया हुआ, फिल करना है यहाँ पे, यहाँ पे 2. 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 2 आए, 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आपके पास आंसर क्या है 2. कौन सी टर्म करेंगे 0. 2 में से अगर 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है 2. ऐसे आपने ये फिल द करेक्ट डिजिट करने हैं. ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.